Hi, I'm Dr. Shanu Mittal. I'm a glaucoma consultant at Eye7 Hospitals, Lajpat Nagar. आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसके बारे में आम लोगों को पब्लिक को बहुत ही कम पता होता है, अवेयरनेस बहुत ही कम है. पर जितना कम अवेयरनेस है उतना ही क्रूशियल टॉपिक है. आज हम बात करने जा रहे हैं आँख के प्रेशर की, जिसे हम इंट्राओक्युलर प्रेशर या IOP भी बोलते हैं. हम सभी को बॉडी के एक प्रेशर के बारे में सबसे अच्छे से पता होता है, दैट इज़ ब्लड प्रेशर. उसके बारे में अवेयरनेस भी है, उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता होता है. बट आँख का प्रेशर उतना ही इंपॉर्टेंट होता है और लोगों को उतनी ही कम नॉलेज है इसके बारे में. तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे. आई होप आप सभी को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज आएगी, अवेयरनेस आएगी. आँख का प्रेशर बेसिकली होता क्या है? अगर हम आँख को एक स्फीयर, एक बॉल कंसिडर करें, तो आँख के अंदर कुछ स्पेसेस होते हैं. इफ़ वी कैन सी, दे आर सम स्ट्रक्चर्स विद इन द आई एंड दे आर सम पोटेंशियल स्पेसेज इन द आई. इन स्पेसेज में, एज वी कैन सी, there are some liquids residing inside. ये liquid आँख के अंदर रहते हैं और ये liquid ही आँख का pressure बनाते हैं. Mind you, this liquid, ये जो हम आँख का पानी बोलते हैं, this is not जो हम आंसू से confuse करते हैं. ज़्यादातर patients मेरे पास आते हैं, उन्हें मैं explain करता हूँ कि आँख का pressure क्या होता है. तो ये जो अंदर के पानी की बात करते हैं, they get confused, वो जो पानी बाहर निकलता है, those are tears and it has nothing to do with this intraocular pressure. आँख का प्रेशर आँख के अंदर का लिक्विड बनाता है, आँख के बाहर का लिक्विड नहीं, वो आँख के अंदर ही रहता है. तो हाउ इट इज़ फॉर्म्ड? तो आँख में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी का एक पार्ट होता है पार्ट्स प्लाइकेटा. वो पार्ट्स प्लाइकेटा आँख के अंदर एक लिक्विड सिक्रीट करता है. वो लिक्विड लेंस के आगे सिक्रीट होता है, देन इस स्पेस से आपके पिपलर एरियाज में जाता है और आयरिस के आगे आ जाता है. दैट मीन्स लेंस के आगे से बन के वो और फर्दर आगे जा रहा है. ये लिक्विड जो बनता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी राउंड द क्लॉक ये बनता रहता है एट अ फिक्स्ड पेस जनरली. यानी इसका बनना, इसका वॉल्यूम, वो सब फिक्स्ड है पहले से. अब जब बनता रहेगा तो ऑब्वियसली इसका ड्रेनेज आउट भी होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्युमुलेट होता रहेगा. तो इसका ड्रेनेज भी फिक्स्ड है आई में, कि ऐसे बनेगा, इस पर्टिकुलर तरीके से ड्रेन आउट करेगा. ड्रेनेज के दो तीन मेथड्स होते हैं. प्रीडोमिनेंटली जो ड्रेनेज होता है इसका, वो होता है ट्रबिकुलर मेशवर्क से, वो भी समवॉट इधर ही होता है. तो आँख का लिक्विड अंदर बना एट ए पर्टिकुलर पेस, एट ए पर्टिकुलर रेट, एंड देन उसी पर्टिकुलर रेट, पर्टिकुलर स्पीड के हिसाब से वो बाहर भी निकल जाता है. बाहर का मतलब ये नहीं है कि आँख के बाहर आ जाता है. बाहर मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं में बाहरी बाहर सर्कुलेट हो जाता है. सो देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ सिक्रीशन एंड ड्रेनेज. ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द आई. अच्छा, ये हमने थोड़ा थोड़ा जाना आँख का प्रेशर बनना, उसका बाहर निकलना. अब हम देखेंगे आँख के प्रेशर की रेंज क्या होती है. तो जनरली बुक्स में लिखा रहता है कि आँख का प्रेशर जो होता है दैट शुड बी बिटवीन 10 to 21 mm ऑफ HG. 10 से 21 mm ऑफ HG के बीच में इसकी रेंज रहनी चाहिए. बट दिस इज़ अ वेरी डायनामिक थिंग, जो आँख का प्रेशर होता है. एक इंसान के लिए प्रेशर 21 नॉर्मल भी हो सकता है, एक इंसान के लिए 15 प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है. दिस ऑल डिपेंड्स कि आपकी आँख में आपकी नस कैसा काम कर रही है. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट मोटा मोटा आँख की प्रेशर की नॉर्मल रेंज होती है वो 10 से 21 होती है. इसको मेजर कैसे करते हैं? तो इसको मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं. NCT यानी नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री होता है, रिबाउंड टोनोमेट्री होता है, बट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टिल नाउ इज एप्लेनेशन टोनोमेट्री. एप्लेनेशन टोनोमेट्री में हम एक एरिया कॉर्निया के एप्लेनेट करते हैं एंड उसके हिसाब से हम एस्टिमेट लगाते हैं कि आँख के अंदर का प्रेशर क्या है. मैं आपको अभी बताऊँगा कि हम एप्लेनेशन टोनोमेट्री करते कैसे हैं, पेशेंट को हम क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड हाउ डू वी मेजर द प्रेशर. तो हमने देखा ये कैसे बनता है, क्या इसकी नॉर्मल रेंज होती है. बट अब हम देखेंगे कि इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, जो हम चाहते हैं आप अवेयर हों, इट इज बिकॉज इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल इम्प्लीकेशन. जैसे मैंने बताया, आँख के प्रेशर की एक रेंज होती है 10 से 21. अगर सपोज करिए ये प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होगा? तो आँख को, जैसे वी ऑल नो इट इज़ अ क्लोज्ड कैविटी, एक कैविटी की तरह है, एक बॉल की तरह है. उस बॉल में एक लिक्विड है जो एक प्रेशर बना रहा है, एक नॉर्मल प्रेशर रेंज रहेगी. बट ऑब्वियसली अगर वो प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहेगा तो जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आँख के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है. एंड सबसे क्रूशियल स्ट्रक्चर जो होता है, जो प्रेशर से अफेक्ट होता है, वो होता है ये नस. अब मैं आपको एक बार मॉडल पे आँख के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर समझा देता हूँ. देखिए, स्टार्टिंग एंटीरियरली दिस इज कॉर्निया, जिसे हम पुतली बोलते हैं. देन इफ वी कम, दिस इज लेंस, जो आँख का नेचुरल लेंस होता है. फिर ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम बोलते हैं रेटिना यानी पर्दा. एंड देन द लास्ट पार्ट इज दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज ऑप्टिक नर्व, जो आँख की नस होती है. इस नस का काम होता है कि ये
आँख के सारे सिग्नल ब्रेन तक लेके जाती है, यानी आँख में हम जो भी देख पा रहे हैं, जो भी इनपुट है, पहले ये नस ब्रेन तक लेके जाएगी, देन ब्रेन विल हेल्प अस टू परसीव दिस थिंग. सो ये जो नर्व होती है, नस होती है, इसका काम एक कनेक्टिंग लिंक की तरह होता है, आँख को ब्रेन से कनेक्ट करना. सपोजिटली अगर ये नस नहीं होगी या किसी भी वजह से डैमेज होती है, तो आँख का कोई भी सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाएगा एंड दिस आई इज एज गुड एज डेड. ओके, तो ये मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर मोर देन द नॉर्मल रेंज विल अफेक्ट योर ऑप्टिक नर्व, यानी आपकी नस को सबसे पहले वो अफेक्ट करेगा. इस आँख की नस पे ज़्यादा प्रेशर की वजह से मैकेनिकल चेंजेस आते हैं, वैस्कुलर चेंजेस आते हैं. मैकेनिकल चेंजेस यानी कंप्रेसिबिलिटी बढ़ती है, मैकेनिकली कंप्रेस करेगा ज़्यादा प्रेशर होगा तो. वैस्कुलर चेंजेस माने इस आँख की नस की जो वैस्कुलर सप्लाई है, यानी जो खून की सप्लाई है, जो इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, जो इसको खाना ऑक्सीजन सब सप्लाई कर रही है, वो भी अफेक्ट होगी. वो कम न्यूट्रिशन आएगा, कम ऑक्सीजन आएगा, यानी उससे भी डैमेज होगा. यानी ज़्यादा प्रेशर मोटा मोटा दो तरीके से डैमेज करता है आपकी नस को, मैकेनिकली एंड वैस्कुलर वाइज. उससे क्या इम्प्लीकेशन होगा, इस नस में मिलियंस ऑफ फाइबर्स होते हैं, यानी ये एक न्यूरॉन है, इसके एग्जॉन्स होते हैं, वो मिलियंस होते हैं, जस्ट लाइक आ हेयर, हमारे बाल हैं वो मिलियंस में हैं. ठीक है, अब इसके फाइबर्स धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर. प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो इसके जो न्यूरॉन्स हैं, एग्जॉन्स हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. वो मिलियंस से फिर हंड्रेड और थाउजेंड्स पे आएंगे, फिर थाउजेंड्स पे रह जाएंगे, फिर हंड्रेड एंड इवेंचुअली कुछ भी नहीं बचेगा. ये जो प्रोसेस है, ये एक दिन का नहीं होता है, एक महीने का नहीं होता है. दिस इज़ अ लॉन्ग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, अ क्रोनिक प्रोसेस. ये सालों वाला प्रोसेस होता है, सालों साल डैमेज होता रहता है, धीरे धीरे नुकसान होता रहता है. अनफॉर्चुनेटली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस नस में जो भी नुकसान हो जाता है वो परमानेंट होता है. यानी हम या इस दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी टेक्नोलॉजी अभी ऐसी नहीं बनी है कि इसके फाइबर्स को रीजनरेट कर सके, इस नस को वापस ग्रो कर सके. इस नस में जो नुकसान हो गया वो परमानेंट है, नथिंग कैन रिप्लेस और रीजनरेट इट. वॉट वी कैन ओनली डू कि हम इस नस को जितना बचा है, इसका स्ट्रक्चर, उसको बस बचा सकते हैं. नुकसान हो गया ख़त्म, लेकिन जो बचा है उसको बचाते रहें, वही हमारी जीत है, वही हमारी ट्रीटमेंट की बेसिकली प्लान एंड स्ट्रेटजी होती है. इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें इस नस में नुकसान होता है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, आँख के प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं काला मोतिया, यानी ग्लॉकोमा, या समल भाई भी अगर बोलें कुछ कुछ लोगों की लैंग्वेज में. बहुत से लोगों को मोतियाबिंद अगर बोलते हैं तो एक ही पता होता है, वो होता है सफ़ेद मोतिया. सफ़ेद मोतिया इज़ नॉट इक्वल टू या इज़ नॉट काला मोतिया, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं. सफ़ेद मोतिया में आपका लेंस सफ़ेद हुआ, बस बॉडी का जो लेंस होता नेचुरल, उसको हमने सर्जिकली हटा दिया, दूसरा लेंस फिट कर दिया, ख़त्म. इट इज़ अ वन टाइम थिंग, सफ़ेद मोतिया ठीक हो गया. बट काला मोतिया इस नस की बीमारी है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया क्यों होता है, वो भी मैंने बताया, बिकॉज ऑफ आँख का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है. इसे काला मोतिया क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा. बट ये नस की बीमारी होती है, ये ख़त्म नहीं होती है. काला मोतिया या हाई प्रेशर की जो बीमारी होती है, उसे हम बस कंट्रोल करके रख सकते हैं कि वो आगे ना बढ़े. वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, बट हम कंट्रोल करके रखेंगे तो बढ़ेगी नहीं, वही एम होता है. जस्ट लाइक ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, एक बार किसी पेशेंट को हो जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती है, हम केवल उसे कंट्रोल करके रख सकते हैं. सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो इस प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, किन किन फैक्टर्स की वजह से प्रेशर बढ़ सकता है, या दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें काला मोतिया होने का खतरा है. तो मोटा मोटा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो निकल के आता है, वो आता है फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके फैमिली में किसी को भी ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा आँख के प्रेशर की बीमारी या काला मोतिया है, तो मान के चलिए कि आपको भी एक बहुत बड़ा रिस्क है काला मोतिया होने का. सो फैमिली हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ग्लॉकोमा. दूसरा रिस्क फैक्टर है एज. काला मोतिया इन जनरल बीमारी है ओल्ड एज की, यानी आफ्टर 50 ईयर्स, आफ्टर 40 ईयर्स. यूजुअली यंग में ये नहीं होता है, ऑल्दो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन. वी कैन गेट ग्लॉकोमा इन न्यूबॉर्न ऑल्सो, इन यंग ऑल्सो, इन जुवेनाइल ऑल्सो, बट मोटा मोटा ये बीमारी है ओल्ड एज की. तो 40 साल से ऊपर के लोग, वो थोड़ा सा कॉशियस रहें, अपना प्रेशर मॉनिटर करना होगा, उन्हें करवाना होगा. तीसरा, अगर आपकी कोई हिस्ट्री है ट्रॉमा की, आँख में किसी भी वजह से कोई भी चोट लगी है, चाहे बड़ी चाहे छोटी चाहे हल्की, कभी कभी इवन ट्रिवियल ट्रॉमा कैन इंड्यूस हाई प्रेशर. तो ऐसे लोग जिनकी आँख में रबर बैंड लग गया है, बॉल से चोट लग गई है, पटाखे से चोट लग गई है, किसी भी वजह से अगर चोट लगी है, तो वो रिस्क पर रहते हैं आँख के प्रेशर बढ़ने की.
चौथा रिस्क फैक्टर होता है कोई भी सर्जरी हमने आई में करवाई है तो. सो एनी फॉर्म ऑफ सर्जरी देन इट क्रिएट्स अ रिस्क फैक्टर ऑफ हाई आईओपी. तो ऐसे पेशेंट जिनकी सफ़ेद मोतिया की सर्जरी हो रखी है, पर्दे की सर्जरी हो रखी है, किसी फॉर्म में कोई भी सर्जरी हो रखी है, उन्हें भी एक बार अपना प्रेशर मॉनिटर करवाना चाहिए. देन देर आर अदर रिस्क फैक्टर्स लाइक अगर किसी पेशेंट को यूवियाइटिस है, उसकी आंखों में ऑन एंड ऑफ रेडनेस आ रही है, किसी पेशेंट ने स्टीरॉयड यूज़ किया है, स्टीरॉयड किसी भी फॉर्म में, गोली के फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में, इवन क्रीम के फॉर्म में, स्टीरॉयड क्रीम्स कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हाई आईओपी. इवन क्रीम्स जो आप आँख से बिल्कुल दूर लगा रहे हैं, यानी हाथों पर लगा रहे हैं, पैरों पर लगा रहे हैं, इवन टोज पर लगा रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हाई आईओपी. सो यू हैव टू बी कॉशियस. अब हमने जो इतनी बातें करी कि काला मोतिया ये, प्रेशर ये, बेसिकली काले मोतिया से पेशेंट को पता क्या चलेगा, सिम्टम्स क्या होते हैं, हम एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं. सो द अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि काले मोतिया में कोई सिम्टम नहीं होते इन जनरल, यानी मरीज को पता ही नहीं चलेगा वो ज़्यादा प्रेशर लेके बैठा है, काला मोतिया लेके बैठा है. अनलेस एंड अनटिल इस नस में 60-70% तक नुकसान नहीं हो जाएगा, और वो भी तब जब मरीज अवेयर है, एजुकेटेड है, तभी ही और शी कैन गैस कि हाँ मेरा विजुअल फील्ड रेस्ट्रिक्टेड हो रहा है, मुझे ऊपर नीचे दाएं बाएं का हल्का सा कम दिख रहा है, तभी वो बता पाएगा. अदरवाइज एक नॉर्मल पेशेंट, एक नॉर्मल जनता जो है वो 80-90% नुकसान के बाद ही हमारे पास आती है कि हमें थोड़ा सा दिखना कम हो गया है. इसकी एक पिक्युलरिटी होती है कि इसमें आपको सामने का दिखता रहेगा इवन एट द लास्ट स्टेज, यानी अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो सामने में हल्का फुल्का देख पाऊँगा तो मुझे लगेगा सब सही है, लेकिन मेरा जो ऊपर नीचे दाएं बाएं का फील्ड है वो ख़त्म होता जाता है. मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. हम काले मोतिया के पेशेंट्स को देखते हैं, हम उनके डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं. तो द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो काले मोतिया में होता है वो होता है विजुअल फील्ड. तो दिस इज़ द विजुअल फील्ड एज वी कैन सी. ये पेशेंट का बेसिकली हमें फंक्शनल आउटपुट बताता है इस नस का. पेशेंट को अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो दिखाए जाते हैं. अगर पेशेंट सारे पॉइंट्स परसीव कर लेता है दैट मीन्स उसका विजुअल फील्ड बिल्कुल ठीक है. एंड दिस स्केल विल कम एज वाइट. इफ़ यू कैन सी दिस इज़ ऑल वाइट. तो ये एक नॉर्मल विजुअल फील्ड है एक नॉर्मल इंसान का जिसको सब कुछ दिख रहा है ऊपर नीचे दाएँ बाएँ. वहीं अगर मैं एक ऐसा पेशेंट लूं जो ग्लॉकोमा का पेशेंट है जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ है, यू कैन कंपेयर दिस फील्ड विद दिस फील्ड. दिस इज ऑल ब्लैक. पेशेंट को ना ये पार्ट दिख रहा है, ना ये पार्ट दिख रहा है, ना ये पार्ट दिख रहा है, केवल थोड़ा थोड़ा ये पार्ट दिख रहा है. सो दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लॉकोमा, और इसीलिए इसे काला मोतिया बोलते हैं. यू कैन सी दिस इज ऑल ब्लैक. एंड जैसे मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये परमानेंट है. अब हमारे पास जो बचा है केवल ये पोर्शन बचा है, हम इसी पोर्शन को बचा सकते हैं, वो भी एक आपके कोऑपरेशन से, आपके फॉलोअप से. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन ग्लॉकोमा. तो मोटा मोटा मैंने आपको बताया काले मोतिया में कोई सिम्टम नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, तो कैसे डिटेक्ट किया जाए. तो उससे पहले मैं आपको एक रफ एस्टिमेट बताता हूँ कि काले मोतिया का बर्डन कितना है हमारी कंट्री में. समवेयर इन 2015-16 में जो एक सर्वे किया गया तो उसमें हमें ये मिला कि इंडिया में अराउंड 22 मिलियन पीपल, यानी लगभग 2.25 करोड़ जो लोग हैं, दे आर हार्बरिंग काला मोतिया यानी ग्लॉकोमा, दे आर सफरिंग फ्रॉम ग्लॉकोमा. बट द कैच इज कि 90% ऑफ ग्लॉकोमा इज स्टिल नॉट डिटेक्टेबल, यानी 90% जो लोग हैं जो लेके बैठे हैं उन्हें हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाए हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे पास आए ही नहीं हैं. ये जो एस्टिमेट है, ये जो नंबर है, ये वो पेशेंट्स है जो हमने देख के डिटेक्ट कर लिए हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द सीवियरिटी कि 90% लोग लेके बैठे हुए हैं काला मोतिया, लेकिन ना हम कुछ कर पा रहे हैं ना वो कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है. एंड धीरे धीरे वो नस सूखती जाएगी, नुकसान होता रहेगा, एंड जब वो हमारे पास आएंगे तो हमारे पास बचाने को बहुत कुछ होगा नहीं. सो दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ द एस्टिमेट ऑफ ग्लॉकोमा. तो अब आपको क्या करना है? जैसे मैंने बताया, जो मैंने रिस्क फैक्टर्स आपको बताए काले मोतिया के, यानी एज मोर देन 40, एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लॉकोमा, कोई चोट लगी हो, स्टीरॉयड की हिस्ट्री हो, कोई सर्जरी की हिस्ट्री हो, कोई रेडनेस ऑफ एंड ऑन आ रही हो आपकी आँख में, यूवियाइटिस की हिस्ट्री हो, ऐसे पेशेंट्स को एक बार ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, रेगुलर स्क्रीनिंग पर रहना चाहिए. काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो आपको, आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चलेगा, ओनली अ ग्लॉकोमा स्पेशलिस्ट और एन आई स्पेशलिस्ट कैन डिटेक्ट. यहाँ पे हमारे पास काले मोतिया के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होता है डिटेक्ट करने का. क्लिनिकली हम डिटेक्ट करते हैं, क्लिनिकली इवेल्युएट करते हैं, एंड उसी को सप्लीमेंट करता है हमारे इन्वेस्टिगेशंस. हमारे पास विजुअल फील्ड होता है जो गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है, हमारे पास ओसीटी होता है काला मोतिया डिटेक्ट करने के लिए.
ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने आपको काले मोतिया के बारे में बताया आपको थोड़ी अवेयरनेस देने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम जो प्रेशर की बात कर रहे थे, इस प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। तो जो जैसे मैंने बताया जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, दैट इज गोल्डमैन एप्लानेशन टोनोमेट्री, वो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा कैसे किया जाता है पेशेंट पे, क्या उसकी रेंज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है, एंड क्या पेशेंट्स को हम बताते हैं प्रेशर करने से पहले। तो अभी हम बताएंगे कि कैसे हम किसी पेशेंट में आँख का प्रेशर चेक करते हैं वाया एप्लानेशन टोनोमेट्री। तो सबसे पहले पेशेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम आपका प्रेशर चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एप्लानेशन टोनोमीटर है, ये प्रिज्म आपकी आंख पे हल्का सा टच लगेगा लेकिन आपको फील नहीं होगा क्योंकि हम आपकी आंख एनेस्थेटाइज कर देंगे। उसके बाद हम पेशेंट की आई जो है वो एनेस्थेटाइज करते हैं वाया ड्रॉप। ऊपर देखेंगे, ऊपर देखिए, दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसिन स्टेन। इससे हमें पेशेंट की आई को स्टेन करना होता है टू गेट द प्रेशर। डाई को हम हल्का सा टच करेंगे, ऊपर देखिए सर, बस इतना स्टेन हो गया है, इतना सफिशियंट है हमारे लिए। पेशेंट को हमने स्टेन कर दिया है, नाउ वी आर गोइंग टू गेट द प्रेशर, मेजर द प्रेशर। यहाँ रखेंगे, चिन रखिए, माथा यहाँ लगा के रखेंगे, कंफर्टेबल हो जाइए। So this instrument is called applanation tonometer and this is the gold standard for measuring intraocular pressure. सबसे accurate pressure यही देता है। ये जो tonometer का prism है ये आपके cornea पर हल्का सा touch करेगा, एक part applanate करेगा और हमें reading दे देगा। इसमें green color के wires बनते हैं जो हम align करते हैं to get the reading. Okay. तो इस पेशेंट का प्रेशर है 10, 12, 14, 16, 18 mmHg. ईच स्केल ईच मेजरमेंट इज 2 mmHg, जो एक स्टेप है वो 2 mmHg का है, एंड वी आर गेटिंग द प्रेशर हियर, सो दिस इज 18 mmHg. 1 इज 10, 2 इज 20, सो वी आर गेटिंग बिटवीन 1 एंड 2, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर क्योंकि हमारी नॉर्मल रेंज में आ रहा है बिटवीन 10 to 21, एंड क्योंकि मैंने इनकी नस देख रखी है, इनकी नस भी ठीक है, सो दिस प्रेशर इज़ नॉर्मल फॉर हिम। तो इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की क्या आँख का प्रेशर होता है, कैसे हम मेजर करते हैं, क्या नॉर्मल रेंज होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या क्लिनिकल इम्प्लीकेशन होती है। इसके अलावा थोड़ा सा हमने ग्लॉकोमा या काले मोतिया के बारे में जाना। अब आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस वीडियो, एंडिंग दिस वीडियो विद वन स्टेटमेंट कि ग्लॉकोमा ग्लोबली इज कॉल्ड द साइलेंट थीफ ऑफ साइट। साइलेंट इसीलिए जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपको पता ही नहीं चलेगा, नुकसान होता रहेगा, नस में जो ख़त्म हो रही है नस होती रहेगी। थीफ इसीलिए कि आपकी साइट यानी आपकी रोशनी ग्लोकोमा चुरा रहा है, एंड ये जो चोरी है ये इरिप्लेसिबल है, ये एक बार गया तो गया, ऑल वी कैन प्रोटेक्ट जो बचा है। इसीलिए अपने आँख को एक ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट से, एक आई स्पेशलिस्ट से रेगुलर स्क्रीनिंग कराइए। ऐसे लोग जो रिस्क फैक्टर पे हैं, जो हाई रिस्क फैक्टर हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए, उन लोगों को तो अपनी आँख को ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट को बिल्कुल हर हाल में दिखाना चाहिए। ओके, थैंक यू।